हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास क्लास 10th इंग्लिश का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली का क्लास 10th का लाइए, तो हम उसी को लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा वो रीडिंग का होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें आपको कुल कितने नंबर का हो जाएगा आपका, ये 3, 3, 6, 4, 10 नंबर का पैसेज हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको कुछ चार क्वेश्चन दिए गए, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। व्हाट एक्साइटेड द एंगर ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग्स, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड वर्स्ट, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द कॉमेट्स। इसके बाद जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आपको राइटिंग सेक्शन आता है। राइट रिलेटेड टू योर मदर इंफॉर्मिंग हर अबाउट हर हेल्थ एंड प्रोग्रेस इन द क्लास एंड सी इंक्वायर्ड अबाउट इट ऑल, ये आपका 4 नंबर में हो जाएगा। के बाद आगे चलते हैं, या फिर आपको अथवा में दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट कंसेशन इन स्कूल फीस, मेंशन रीजन व्हाई यू डिजर्व इट। इसके बाद डिस्क्राइब इन 60-100 वर्ड्स पैराग्राफ ऑफ द पोस्टमैन ऑन द आउटलाइन इंट्रोडक्शन स्ट्रेस हिज एजुकेशन हिज सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि इसमें आपको ये कैसे लिखना है और ये हेडिंग आपको दी गई हैं। या फिर इस पर लिखिए, एन इंडियन फेस्टिवल आउटलाइन इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेशन हाउ सेलिब्रेटेड। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना, सेंटेंस पुटिंग सब्जेक्ट पार्ट इन द ऑर्डर। तो इसमें क्या करेंगे, ए ब्लैक क्रो वाज सिटिंग इन द ट्री बन जाएगा। पहले वाले में ए ब्लैक क्रो वाज सिटिंग इन द ट्री, इसके बाद क्या हो जाएगा, आर स्वीट्स, यानी कि द रेड एप्पल्स इन द अलमीरा आर स्वीट, यानी कि लाल सेब जो अलमारी में रखे हुए हैं मीठे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, पिक आउट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंट डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट सब्जेक्ट पार्ट। आपको इसमें सब्जेक्ट पार्ट छांटना है कि सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट पार्ट इसमें आपको छांटना है, तो इसमें यू है, द न्यूज़ ये सब्जेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक करेक्ट एनी वन सेंटेंस ऑफ रिऑर्डरिंग फॉलोइंग डिड सी मी नॉट लेटर सेंड मी। इसके बाद सेकेंड है, प्रोमिस्ड मी माई फ्रेंड आल मी हेल्प। इसके बाद राइट द फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवेन। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको दिए गए, दि डॉट डॉट सिंस 12 o'clock द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव, राजू बीट्स एज मदर, टीचर टीच स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस, प्लीज लर्न रिलेशन डू इट। तो ये सारे उसके हैं लेट इम्परेटिव सेंटेंस के, तो ये बन जाएंगे आपसे प्लीज़ के, यू आर रिक्वेस्टेड टू लर्न द रिलेशन डू इट, इसे लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद जी है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, पीपल डू वर्क टू लर्न लिविंग, आई शैल हैव हेल्प्ड देम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एच है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी वन ऑफ द विच सुइटेबल प्रीपोज द रेड फोर्ट इज बिल्ट बाय रेड स्टोन, सीला डाइड फ्रॉम कालरा। इसके बाद आगे चलते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना था, तो कैसे बनेगा इसका, सी सैड टू मी वैन डू यू प्ले गेम, तो ये इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, से सी आस्क्ड मी वैन, यू को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो आई हो जाएगा, वैन आई, डू है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन आई प्लेड गेम, प्लेड हो जाएगा क्योंकि डू है तो उसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद राम सैड फादर आई वांट मनी टू पे फीस, तो इसे कैसे बनाएंगे, राम एड्रेसिंग हिज फादर, एड्रेसिंग हिज फादर दैट आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ही वांट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांटेड मनी टू पे फीस। उसके बाद आपको पंचुएट एनी वन ऑफ दिस सारे सेंटेंस यूज कैपिटल लेटर व्हेन वेयर नेसेसरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, माई फादर इज ए फार्मर कॉमा ही इज एन ओल्ड मैन, आई सेड टू रमेश यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या लगे, आई सेड टू रमेश कामा इन्वर्टेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, यू का वाई कैपिटल बनाएंगे, पास इफ यू वर्क हार्ड, इसके बाद फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसके बाद स्टोरी आपकी 5 नंबर में आएगी इन द स्टोरी, तो स्टोरी आप पढ़ लेंगे और अपनी बना लेंगे। इसके बाद सेक्शन डी आता है जो कि लिटरेचर का आता है, इसमें आपको ये पहले क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 6 में एक स्टेंजा दिया जाएगा, उस स्टेंजा को आपको पढ़ना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे देने हैं, तो ये स्टेंजा आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि 8 नंबर में आपका लॉन्ग आंसर होता है, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में, एनी वन ऑफ द टू फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, तो ये क्वेश्चन आप देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आती है जो कि मैचिंग की होती है, मैच दी कॉलम्स ए इन द बेयर, तो ये मैचिंग आप अपनी देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, रीड द फॉलोइंग पेज फ्रॉम द पेयर केयरफुली क्वेश्चन देयर फॉलो, तो इसे आपसे पोइट्री से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी से आपसे नेम ऑफ द पोएम एंड वाइज द फेवर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आइडिया लिखना है, यार रिप्रोड्यूस 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, या फिर 4 लाइनों की पोएम लिखें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, ये भी शॉर्ट आंसर में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 दिए गए हैं, 4 नंबर ये हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट है, बचता है लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये आपको ट्रू फॉल्स दे दिए गए। इसके क्वेश्चन नंबर 13 में एक लॉन्ग आंसर आपको 60 वर्ड में पूछा गया है 4 नंबर में। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का इंग्लिश पेपर। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।